हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हो टेक्नीशियन सोनू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, मेरे पास आज आया है एक स्टेंजर का एम्पलीफायर जो PBT501 एक एम्पलीफायर है, ठीक है। तो ये एम्पलीफायर में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। और ये एम्पलीफायर मैंने खोल के क्यों रखा है, क्यों ना फ्रेंड, मैं घर के अंदर काम करता हूँ और इसके अंदर लगभग एम्पलीफायर लगभग 3 साल के बाद खोला है, ठीक है। तो इसके अंदर ये धूल मिट्टी वगैरह एकदम भरा हुआ था, तो मैंने इसलिए इसे बाहर क्लीन करके फिर मैं घर पे इसे रिपेयरिंग कर रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो आप फोटो ले देख लीजिए कैसा हालत था, तो हमने शायद देख लिया है, ठीक है। तो इसका हालत ऐसा ही था। अब देखिए, मैंने इसे अच्छे से क्लीन किया, एकदम नया जैसा लग रहा है। अब मैं इसका जो प्रॉब्लम है, कस्टमर ने मुझे कह दिया है कि भाई इसका ओवरलोड भी नहीं है लेकिन कुछ भी साउंड आउटपुट नहीं कर रहा है। तो चलिए, मैंने इस एम्पलीफायर को जो कनेक्शन मैंने देके रखा है, देखिए इसका जो एसी कॉर्ड। सबसे पहले फ्रेंड, आपके पास चाहे कुछ भी एम्पलीफायर आए तो आप सबसे पहले एक 200 वाट का सीरीज बल्ब आप यूज़ कीजिए। तो देखिए, मैंने एक 200 वाट का सीरीज बल्ब मैंने यूज़ किया है और मैंने एम्पलीफायर को सीरीज पर कनेक्शन देता हूँ। तो देखिए, सीरीज बल्ब हमारा जल के बंद हो गया और यहाँ पर मैंने ऑडियो भी दिया है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ऑडियो भी दिया है, फैन भी चल रहा है हमारा, यहाँ पर भी हमारा इसका पावर एलईडी भी चल रहा है, कोई भी टेम्प वॉल्ट कुछ भी नहीं है। फिर मैं ऑडियो देता हूँ तो कुछ भी नहीं ऑडियो है और इसका लेवल नेट भी नहीं खेल रहा है फैन, ठीक है। तो देखिए, मैंने यूएसबी प्लेयर से मैंने ऑडियो भी दिया है, देखिए योलो वाला वायर से आगे फैन, देखिए इसके पीछे कनेक्ट है। मैंने स्पीकर भी लगा है, बड़ा बड़ा 2 स्पीकर लगा है उधर साइड में, तो कुछ भी इनमें साउंड नहीं आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आज इसे स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग करूँगा। तो मैं इसका जो फ़ोन प्लान है, मैं इसे खोल के आपको दिखाता हूँ, रुकिए मैं खोलता हूँ, खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड देखिए, मैंने इसे खोल लिया है, मैं इसे बिल्कुल खोल लिया है। खोलने के बाद देखिए, इसका एरा, इसका ड्राइवर बोर्ड, आप इसका ड्राइवर बोर्ड देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मुझे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जल गया है, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पर एक हमारा 100 ओम्स का रेजिस्टेंस था, ये जल गया है। और इसके सामने लगा है हमारा 2073 जो हमारा होता है ना ट्रांजिस्टर, हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा है। तो फ्रेंड, ये रेजिस्टेंस जल गया है, ये रेजिस्टेंस हमारा इसके इमीटर से लगा रहता है जो हमारा बायसिंग देता है इधर मेरे साइड में, ठीक है फ्रेंड। तो लगता है फ्रेंड इसका बायसिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तभी एम्पलीफायर साउंड नहीं दे रहा है। तो काफ़ी बार यहाँ पर भी हमारा बेस टेबल बोर्ड से जो बीटी बोर्ड होता है, यहाँ से भी प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक है, इसका ट्रांजिस्टर वगैरह बिल्कुल ओके है, मैंने देखा था, मतलब मैंने क्लीन करा था तो कोई भी कट वगैरह नहीं गया है, जंग वगैरह लग के, तो ये ओके हो। मैंने यहाँ पर टच करके भी मैंने देखा था, ऑडियो सिग्नल अगर यहाँ पर ड्राइवर बोर्ड में अगर ठीक ठाक रहता और यहाँ पर प्रॉब्लम होता, तो फिर आप जब यहाँ पर टच करोगे ना, ये जो हमारा वायर सील्डेड वायर जो हमारा सीधे यहाँ पर आता है ऑडियो इन पर, ठीक है। तो ये हमारा बोर्ड बिल्कुल भी नहीं ओके है, ये वाला बोर्ड हमारा ओके है। और यहाँ पर लगता है ये 2073 भी शॉर्ट हो जा सकता है। और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस तो जल गए हैं, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ट्रांजिस्टर भी आउटपुट पर शॉर्ट होता है, तो अगर ट्रांजिस्टर आउटपुट पर शॉर्ट होता तो फिर हमारा सीरीज बल्ब ज़रूर ग्लो करता। सीरीज बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 2073 शॉर्ट हो गया है। तो मैंने इसे मीटर से मैं आपको चेक करता हूँ, रुकिए तो मैं इसे चेक करके आपको दिखाता हूँ। मेरा मीटर इधर वाले साइड में है, मीटर को मैंने कंटिन्यूटी पर सेट किया, और आपको शायद पता है कि मीटर को कैसे सेट कर, कैसे ट्रांजिस्टर चेक करता है। तो एक हाथ से मैं वीडियो कर रहा हूँ तो दिक्कत हो रहा है, स्टैंड में लगाऊंगा तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो देखिए, बीम मर रहा है, मीटर मेरा ओके है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो मैंने इसका जो फास्ट पिन है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा कलेक्टर होता है और ये हमारा इमीटर होता है, ठीक है। तो मैंने देखिए, मैंने बेस पर यहाँ पर ए वाला पॉप को रखता हूँ और बेस टू इसका इमीटर मैं चेक करता हूँ, और मैं पॉप को इधर वाला साइड में एक रखता हूँ, और देखिए, और यहाँ पर मैं एक रखता हूँ, और रुकिए, एक हाथ से मैं कर रहा हूँ पेन। आप वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत दिक्कत होता है, रुकिए पेन, एक हाथ में वीडियो दिखाने में बहुत ही दिक्कत होता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ कंटिन्यूटी आ रहा है, ये पूरा बीप दिखा रहा है फैन, ठीक है। देखिए, यह हमारा 18 ओम्स का हमारा बीम मर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांजिस्टर ठीक होता तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया है, 100% ख़राब हो गया है, ठीक है। मैं आपको ऐसे ढंग से दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये ट्रांजिस्टर देखिए, मैं घुमा के लगाता हूँ, इसका हमारा स्पॉट है, मैं इसे चेंज करूँगा और एम्पलीफायर को रिपेयरिंग करके दिखाऊँगा। मैं रेजिस्टेंस लगाऊँगा यहाँ पर, ठीक है, 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाऊँगा और ये ट्रांजिस्टर को मैं चेक करूँगा। चेक तो मैंने कर लिया, ये ख़राब है, ठीक है,
मैं नया ट्रांजिस्टर लगाऊंगा, आप देख लेना। रुकिए मैं नया ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंट में लाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर देखिए मैंने रेजिस्टेंट का जो बक्सा है मैंने ले लिया है और मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ 100 ओम्स का रेजिस्टेंट, यहाँ पर मैंने रखा था, यहाँ पर ही मुझे मिल जाएगा। ये मुझे मिल गया, ये हमारा 100 ओम का रेजिस्टेंट है। तो हाफ वाट है, हाफ वाट भी चल जाएगा, लेकिन मेरे पास जो रेजिस्टेंट था वो क्वार्टर वाट में है फैन। तो फैन देखिए मुझे 100 ओम्स का रेजिस्टेंट मुझे मिल गया है, ठीक है। तो मैं रेजिस्टेंट को साइड में रखता हूँ और बाकी के सारे रेजिस्टेंट मैं रख के इसे साइड कर देता हूँ फैन, ठीक है। आपको सब कुछ एकदम मैं दिखाऊंगा। तो मैं इन्हें साइड कर दिया और यहाँ पर कुछ ट्रांजिस्टर वगैरह है। तो ये रहा हमारा 2073 ट्रांजिस्टर, मैंने ढूंढ लिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 2073, मैंने ये ट्रांजिस्टर को ढूंढ लिया और ये हमारा रेजिस्टेंट को ढूंढ लिया। तो चलिए मैं आप इसे फटाफट, मैं ट्रांजिस्टर को आपको एक पीस खोल के भी दिखा देता हूँ। ये 2073 ट्रांजिस्टर है, तो मैं फटाफट से ट्रांजिस्टर को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद ये ट्रांजिस्टर लगाऊंगा और रेजिस्टेंट लगाऊंगा, एम्पलीफायर चालू करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो रुकिए, तो फिर चलिए मैंने ये ट्रांजिस्टर मैंने आपको दिखाया था मैंने चेंज कर लिया और रेजिस्टेंट भी लगा लिया। ये रहा हमारा पुराना वाला ट्रांजिस्टर। तो फ्रेंड मैंने जब इसे अच्छे तरीके से देखा तो मैंने देखा यहाँ पर और भी कुछ ट्रांजिस्टर फूका हुआ है। हाँ फ्रेंड, ये दोनों ट्रांजिस्टर भी हमारा शॉर्ट हो गया और एक तो पूरा फूक गया है। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा जो है BC हमारा 558 है और हमारा BC 547 है, ठीक है। ये दोनों ट्रांजिस्टर हमारा फूक गया है, तो ये ट्रांजिस्टर को भी लगाना पड़ेगा, इसे बिल्कुल नया ट्रांजिस्टर चेंज करने पड़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आप लगा सकते हो BC 55 जो हमारा 8 होता है उसके जगह पर आप 557 भी लगा सकते हो, और जो हमारा 547 है उसके बदले में आप 548 भी लगा सकते हो। तो मैं स्क्रीन पर नंबर दे देता हूँ, आप देख लेना, आपको शायद मेरे बात से कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। मैं स्क्रीन पर नंबर देता हूँ और ये ट्रांजिस्टर को मैं चेंज करता हूँ, उसके बाद इसका जो कंडीशन है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। तो फिर देखिए मैंने जैसे आपको कहा था मैंने दोनों ट्रांजिस्टर को मैंने चेंज कर लिया है फिर, ठीक है। तो देखिए मैंने नया ट्रांजिस्टर लगा दिया है। तो इधर वाला साइड में हमारा जो ट्रांजिस्टर लगता है देखिए हमारा 547 और इधर वाला साइड में हमारा जो ट्रांजिस्टर लगता है हमारा 558। तो यहाँ पर 547 भी लगा सकते हो, 548 भी आप लगा सकते हो, एक ही है, ठीक है फिर। तो फिर देखिए मैंने इसका जो लेग है मैं काट लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी भी इसे कटिंग नहीं किया है, तो आपको भी ऐसे बिल्कुल कटिंग कर देना चाहिए फैन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका पिन जो है मैं इसे कटिंग कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसका जो पिन था, तो फिर मैंने इसका जो पिन है मैंने बिल्कुल कटिंग कर लिया है और लगता नहीं कि बोर्ड में कुछ और फॉल्ट है। तो मैं एम्पलीफायर को यहाँ पर लगाता हूँ, लगाने के बाद देखता हूँ इसका क्या हाल है, ठीक है फैन। फ्रेंड मैंने एम्पलीफायर को जब पूरा चेक किया है, मैंने आपको ड्राइवर बोर्ड रिपेयरिंग करके दिखाया था, तो ये एम्पलीफायर रेडी नहीं हुआ है फ्रेंड। इसका जो पॉजिटिव साइड का सारे के सारे ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया है फ्रेंड, मैंने चेक किया है, ये सारे के सारे ट्रांजिस्टर फ्रेंड एकदम शॉर्ट हो गया है। तो मैं सारे रेजिस्टेंट भी हमारा ओपन हो गया है, एक भी रेजिस्टेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं सारे के सारे रेजिस्टेंट को चेंज करूँगा, ट्रांजिस्टर को लगाऊंगा, लगाने के बाद आपको फिटिंग करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए हमारा सारे ओरिजिनल हमारा 3773 ट्रांजिस्टर है जो बेल कंपनी का होता है, ठीक है। तो देखिए सारे इसका कनेक्शन भी आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर जितने भी वायर मैंने खोला है, यह हमारा आउटपुट का वायर है, यह हमारा पॉजिटिव वोल्ट का वायर है, यह हमारा बायसिंग का वायर है जो हमारा यहाँ पर बेस पे लगता है ना, बेस पे लगता है, ठीक है बेंट। और ये जो हमारा BLC कनेक्शन है एक ट्रांजिस्टर का, ये इमीटर पे लगेगा रेजिस्टेंट लगने से पहले, ठीक है। और ये जो दो है ये हमारा कहते हैं थर्मोस्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका थर्मोस्टर का वायर, तो मैंने खोल के रखा है, ठीक है। तो मैं इसे जल्दी जल्दी मैं ट्रांजिस्टर को चेंज करूँगा, नया ट्रांजिस्टर लगाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पूरा ये एकदम 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांजिस्टर पूरा के पूरा जल गया है। ये सारे रेजिस्टेंट मैंने खोला है, रेजिस्टेंट भी बिल्कुल ओपन है। तो मैं इसे जल्दी जल्दी मैं इसे चेंज करता हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने इसका सारा कनेक्शन कर लिया, ये हमारा BLC कनेक्शन है जो इमीटर पर लगता है, और ये हमारा इसका जो 2.5 मीटर से आउटपुट होने वाला जो होता है जो हमारा सीधा जाता है, ये हमारा 20 वाट का रेजिस्टर पे जो जाता है इसके बाद ट्रांसफार्मर जाता है, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। और ये हमारा कलेक्टर सप्लाई जो हमारा पॉजिटिव आता है, ठीक है।
और इसको तो पहले ही मैंने आपको कह दिया था, ये हमारा थर्मोस्टर का सप्लाई है, मतलब थर्मोस्टर का जो वायर यहाँ पर लगता है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, ये हमारा बेस का कनेक्शन है जो ड्राइवर बोर्ड से हमारा जो 20-73 के इमीटर से जो आता है, जो ये 100 ओम्स रेजिस्टेंट होके, तो रेजिस्टेंट चलने का डिज़ाइन ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट है, ठीक है। तो अब मैं इसे फिटिंग करता हूँ। इसका ट्रांसफार्मर का वायर अभी भी लगा नहीं हूँ मैं, क्यों ना इसका वायर बहुत ही छोटा है, यहाँ पर लग जाएगा इसका इमीटर पर। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या कंडीशन है, चालू हुआ कि नहीं हुआ, क्या मसला है, सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने एम्पलीफायर पर मैंने सप्लाई दे दिया है, मैंने सीरीज पर अभी भी एम्पलीफायर को रखा हूँ, सीरीज पर वहाँ पर मैंने स्विच दे के रखा है जो 200 वाट का सीरीज है। और पीछे देखिए, मैंने एक कॉलम मैंने यूज़ किया है 4 ओम पर है, और यहाँ पर इनपुट भी दे रहा है जो वहाँ पर राइटर चल रहा है, ठीक है। अब मैं एम्पलीफायर को ऑन करता हूँ और देखता हूँ उसका कंडीशन क्या है। आप सीरीज बल्ब के बल्ब को ग्लो फॉलो कीजिए फ्रेंड। तो देखिए, सीरीज बल्ब बिल्कुल नॉर्मल हो गया, लेकिन पहले भी नॉर्मल था, सारे रेजिस्टेंट ओपन हो गया था, सीरीज बल्ब जल नहीं रहा था, लेकिन एम्पलीफायर पूरा डेड था। डेड का मतलब इसका आउटपुट स्टेज बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आप चलिए देखिए, अभी भी मैं मास्टर देता हूँ और आपको साउंड शायद सुनाई देगा फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए, जब हमारा एम्पलीफायर लोड ले रहा है तब हमारा सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है, मतलब हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल ओके है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड, क्यों ना वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आपके मन में अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ठीक है। चलिए, बाय बाय।